आज मैं घर से बाहर निकलता हूँ तभी मुझे दिखाई देता है कि हमारी गली वाला रोड दोबारा से तैयार हो रहा है। ऐसे इग्नोर कर मैं अपने मित्रों के पास पहुंच जाता हूँ मीटिंग रूम में, पर हमारी 2-3 घंटे बैठकर लगातार मीटिंग होती है। मैं मीटिंग रूम में से निकलकर चल देता हूँ सौरभ भैया के पास। अगर रात हो जाता हूँ लेकिन यहाँ मुझसे कहा जाता है कि वो अपने घर ही नहीं है। ये सब मेरे से कहता है ये बैठा हुआ टाइजन। मैं अगर जा ही रहा होता हूँ तभी मेरी नजर इन पर पड़ती है जो कि अपने पैप को सही करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर खड़ा होकर वीडियो शूट कर ही रहा हूँ तभी मेरे से मेरा एक मित्र पूछता है कि तू YouTube पे वीडियो बनाता है, फिर मैं उससे उसका फोन लेकर अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेता हूँ। और शाम को मेरे पास आते हैं सौरभ भैया क्योंकि हमें जाना है इसी का सामान लेने के लिए। और फिर हम दोनों तन तना हुए पहुंच जाते हैं दुकान पर। दुकान पे से सामान को लाने के बाद और गई सही सलामत पहुँचाने के बाद मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर ही देता हूँ। ਬੱਲੀਏ ਗਲ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂ ਕਾਰਤੂਸ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੜੇ ਸਿੰਘ ਕਰਾਂ।